अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप घर पे इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए, आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप भी इसे एक बार ट्राई करिए, बनाइए और खाइए। इसको हमने किस तरीके से बनाया है और इसमें क्या सामान लगाया, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। तो आइए, इसके लिए हमने ये मैदा ली है। ये देखिए, एक बाउल हमने मैदा ली है। ये देखिए, हमारी तकरीबन 300 ग्राम हमारी मैदा है। और इसमें अब हम एक चम्मच नमक डालेंगे, छोटी चम्मच नमक लिया है हमने। एक चम्मच चीनी है, ये डाल देंगे। आधा चम्मच हमारा बेकिंग सोडा है और आधे में से आधा चम्मच यानी एक चौथाई चम्मच हमारा सोडा पाउडर है। ये बेकिंग सोडा है। और दो चम्मच हमारा तेल है, ये तिल का तेल है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और ये हमारी तीन चम्मच हमारी दही है। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने सभी सामान को अच्छे से मिला लिया है। इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला है, अब पानी डाल देंगे। हमने पानी गर्म लिया है, गुनगुने से तेज पानी है हमारा। और इसमें हमें ये बिल्कुल नरम डो लगाना है। ये देखिए, हमने अपना डो बिल्कुल नरम लगाया है, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं उससे नरम है। अब इस पे हमने तेल लगा के इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे उठा के। ये आधा घंटा हो चुका है। अब हम अपना डो निकाल कर देखते हैं हमारा डो कैसा हुआ है। ये देखिए, ये अच्छे से खमीर हो गया है। आइए इसको तेल लगा के थोड़ा मलेंगे, दूसरे बर्तन में निकालेंगे। ये हमने बिल्कुल नरम डो लगाया था अपना। आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने अपने आटे के तीन डो बना लिए हैं, तीन हिस्सों में इसे कर लिया है। आइए इसको बनाएंगे। ये देखिए, खुशबी के साथ बनाएंगे। ये जितना बना हम रोटी के लिए लेते हैं आटा, उससे बड़ा लेना होता है हमें। ये देखिए, हमारा आटा इतना नरम होना चाहिए कि ये हाथ से ही बढ़ जाए। थोड़ा सा बेलन से करेंगे, जिससे हमारा ये प्लान हो जाए अच्छे से। हमने तवा गरम कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें ये आटे से जरूर कर दें, वरना ये ऊपर फूल जाएगा। देखिए, हमारा तवा गर्म है, इसमें डाल देंगे और इसे प्लेट से ढक देंगे।
आइए इसको पलट देंगे। बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए हमें, क्योंकि इस पर हमें कोई निशान नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा ही करना है हमें। ये देखिए ये फूलता जा रहा है। बस हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब इसे हम गैस से हटा देंगे। हमारा बेस तैयार हो चुका है और अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई पर हमने नमक डाल दिया है और ये अपना मोल्ड रखेंगे इसके अंदर और इसको गरम करेंगे। इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, गरम होने के लिए छोड़ेंगे। आइए इसको ढक देते हैं और इसमें फिर लाके पिज्जा रखेंगे। हमने अपना गैस मीडियम कर दिया है, अभी थोड़ी देर में हम इसे हाई करेंगे। आइए अपना पिज्ज़ा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये रेड सॉस लगाएंगे। ये रेड सॉस हमने घर पे ही बनाई है। हमने सॉस में, टमाटो सॉस में हमने लाल मिर्च डाल दी है, कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा नमक मिला दिया है। ये देखिए हमारी सॉस, रेड सॉस इस पर लग चुकी है और अब हम लगाएंगे मेयोनी। मेयोनी हमने ये घर पे ही बनाई है, इसकी वीडियो भी ये देखिए, ये मेयोनीज है, ये हमने घर पे ही बनाई है, इसकी वीडियो भी हम डाल देंगे। ये भी लगाएंगे हम अपने पिज्जे पे। आइए अपनी सब्जियां लगाएंगे। ये है हमारी शिमला मिर्च, ये देखिए हमने इस पे सब्जी लगा दी है। अब हम अपने इस पे चीज डाल देंगे। ये चीज हमने घर पे बनाई है, इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए इसको हमने तैयार कर लिया है और इसे अब कढ़ाई में रखेंगे जो हमने गरम कर रखी है। ये देखिए ये रख देंगे और बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि हमारी कढ़ाई भी गरम है, बहुत ख्याल करना है इस चीज का। और इसे ढक देंगे 20 मिनट के लिए। आइए 25 मिनट हो चुके हैं, हमने इस पे वजन रख दिया था, ये वजन हटा देंगे। देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल बनकर तैयार है। आइए इसको निकाल लेंगे, आइए इसको निकाल लेंगे बाहर। आइए इसे दूसरी प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। आप भी आसानी से घर में पिज्ज़ा बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।